दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को, जिससे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको पता चलते रहे। देखिए, ये क्वेश्चन जो आया था रेलवे में, उसमें आपको गलत पद बताना था कि इनमें से कौन सा गलत पद है, ठीक है। और ऑप्शन आपके ये दिए हुए थे। तो देखिए, सबसे पहले जैसे मैं बताता हूं आपको कि इसका डिफरेंस लेते हैं। कोई भी आपको सीरीज दिखे और उसमें पूछे कि क्या गलत है या आगे आपका क्या भराएगा, तो सबसे पहले आप डिफरेंस लेंगे। तो 8 में 6 प्लस करेंगे तो हमारा 14 हो जाएगा। तो 6 यहां 14 से 26 हो गया है, यानी कि 12 अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा 14 से 26 हो जाएगा, ठीक है। 26 से 48 कैसे होगा? जब हम प्लस 22 करेंगे तो हमारा 48 हो जाएगा, ठीक है। अब 48 से 98 कैसे होगा? प्लस 50 करेंगे तो 98 हो जाएगा। फिर 98 से 194 कैसे होगा? प्लस 96 करेंगे तो यहां पे हमारा 194 हो जाएगा, ठीक है। और 194 से 386 कैसे होगा? जब प्लस 192 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 386, ठीक है। अब हमने डिफरेंस इसका निकाल लिया, अब हमको बताना है कि कौन सा इसमें गलत है। तो अगर आप डिफरेंस ध्यान से देखेंगे तो यहां 6 था तो हमारा यहां पे 12 हो गया, यानी कि इसका गुणा के 2 हो गया है तो 12 हो गया है, ठीक है। यहां पे अगर आप देखेंगे तो प्लस 10 हुआ है, तो कोई यहां पे ऐसा कुछ गुणा के 2 तो हो नहीं रहा है, ठीक है। यहां भी कुछ आपको दिखेगा नहीं, अगर 22 है या 50 हो गया है तो यहां भी आपको गुणा उड़ा कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप यहां पे देखें तो 96 से 192 हो गया है, यानी कि 96 पहले प्लस था, अब 192, यानी कि गुणा के 2 है। यहां पे देखिए, 6 प्लस किया है तो 12 हो गया है, यानी कि 8 से 14 हुआ है तो 6 प्लस किया है, 14 से 26 हुआ है तो 12 प्लस किया है, ठीक है। तो यहां पे देखिए, ये सही हो गया, ये सही हो गया और ये भी सही हो गया, क्योंकि देखिए जहां पे आपको डिफरेंस में गड़बड़ी दिखेगी उसका जो बेस वैल्यू होगा वो गलत होगा सीरीज में। तो यहां पे देखिए, प्लस 6 14 हो गया, फिर 6 गुना के 12 आया तो यहां से 26 हो गया है। तो ये तीनों आपके सीरीज में सही है, बाकी देखिए इसमें आपकी गलती हो सकती है, इसमें हो सकती है, ठीक है। तो पीछे से देखते हैं, ये 96 गुणा के 2 होगा तो 192, यानी कि ये सही है और इसका बेस वैल्यू ये है, ये भी सही है, ठीक है। अब आपकी गलती कहां हो सकती है? यहां पे देखिए, यहां पे जो 12 है तो यहां पे गुणा के 2 यानी कि 24 होना चाहिए जहां पे 22 है, ठीक। और जब यहां पे 24 होगा तो गुणा के 2 यानी कि यहां पे 48 होना चाहिए जहां पे 50 है, ठीक है। तो गलती आपकी बेस वैल्यू इन्हीं दोनों में है। अगर यहां पे 48 तो गुणा के 2 और करेंगे तो 96, यानी कि ये सही है। तो इसका बेस देखिए, 96 का बेस है ये 194 और 98, तो ये दोनों आपके सही हो जाएंगे। और गलती किसकी होगी? प्लस 50 और प्लस 22 यानी कि 48 नंबर जो है वो गलत है। यहां पे क्या होना चाहिए जो 48 दिया है? यहां पे देखिए, 6 दुना के 12 तो 12 दुना के 24, तो यहां पे 24 अंतर होना चाहिए जबकि यहां पे 22 अंतर है। तो यहां पे अगर 24 प्लस करेंगे 26 में तो आपका 50 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे 50 होना चाहिए, यहां पे 50 होना चाहिए। जब यहां पे 50 होगा तो प्लस कितना करेंगे? कितना 98 हो जाएगा, तो हम लोग 48 प्लस करेंगे तो 98 हो जाएगा। तो 24 दुना के 48, तो अब आपका सीरीज सही है बिल्कुल। तो यहां पे 50 होना चाहिए, मगर इसमें पूछा क्या है? यहां पे पूछा है कि कौन सा पद गलत है, तो यहां हमारा 48 नंबर जो है, ए जो है ऑप्शन, वो गलत है, ठीक है। एक बार और बता दे रहा हूं, डिफरेंस जब हमने निकाला 6, 12, 22, 50, 96 और 192 आया, ठीक है। तो 6 दुना के 12 यानी कि यहां पे जो डिफरेंस है ये 6 का है और यहां से जो डिफरेंस है 12 का है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो होना चाहिए वो 24 का डिफरेंस होना चाहिए यहां पे, ठीक। तो ये सस्पेक्ट में आ गया, ठीक है। और नेक्स्ट जो यहां पे रहना चाहिए, ठीक है, तो इसका डिफरेंस अगर आप निकालेंगे तो प्लस 50 आ रहा है जबकि ये 96 है तो गुणा के 2 हो रहा है। तो जो भी यहां पे जो वैल्यू होना चाहिए वो 96 का आधा होना चाहिए, यानी यहां पे 48 आना चाहिए। तो 96 सही है, 192 सही है, तो जो इन दोनों की बेस वैल्यू है वो 386 है, तो ये सही हो जाएगा और
194 है तो ये भी सही हो जाएगा, और 96 का बेस वैल्यू यहाँ पे 98 है तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो गलती यहाँ पे आ रही है 50 और 22, तो इन दोनों का बेस वैल्यू जो है वो यहाँ पे 48 है, तो 48 ये सस्पेक्ट है यानी कि गलती है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 50 होना चाहिए। जब हम यहाँ पे 50 रखेंगे तब डिफरेंस देखेंगे तो सही आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यहाँ पे 24 आ जाएगा डिफरेंस, जब यहाँ पे 50 रहेगा तो यहाँ पे 48 आ जाएगा, 48 96 ये सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 50 होना चाहिए, मगर पूछा क्या है कि गलत पद कौन सा, तो यहाँ पे हमारा 48 जो है वो गलत पद है, यहाँ पे 50 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन जो आया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, जो नेक्स्ट जो सीरीज का क्वेश्चन आया था, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, वैसे ही जैसे हम अंतर निकालते हैं या जो डिफरेंस निकालते हैं वैसे हम डिफरेंस निकालेंगे, 6 से 11 हो गया यानी कि 5 का डिफरेंस है, प्लस 5 हुआ है, 11 से 21 हो गया प्लस 10 हुआ है, 21 से 36 हो गया है प्लस 15 हुआ है, तो नेक्स्ट आप जानते ही हैं कि यहाँ पे प्लस 20 हुआ है, और यहां से 5 10 15 20 और नेक्स्ट क्या होगा 25, यानी कि 25 प्लस 56 अगर आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ 7 1 8, यानी कि 81 इसका आंसर होगा। ठीक है, डिफरेंस निकाला हमने, और ये सीरीज चल रहा था प्लस 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 और प्लस 25 यहाँ पे होगा, तो 56 में अगर हम 25 को प्लस कर देंगे तो 81 हमारा आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, यही दो क्वेश्चन सीरीज से पूछा गया था। नेक्स्ट पेपर में देख लेते हैं कि कौन कौन सा और भी क्वेश्चन जो आपके पूछे गए हैं उनको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।